मसाल क्रांति हम लोगों ने मनाया है और इसके पीछे मकसद यही है कि आज तक हम लोगों ने कानून का पूरा सम्मान किया। हम आज भी भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं, कानून में हमारी पूरी आस्था है, लेकिन आज हमने मसाल क्रांति के माध्यम से बिहार सरकार को ये चेतावनी दी है कि अब हम लोगों ने अपने हाथों में मसाल, जो क्रांति का प्रतीक होता है, उसको थाम लिया है। हम इस देश में महात्मा गांधी के विचारों के वाहक हैं, हम इस देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों के वाहक हैं, हम इस देश में जयप्रकाश नारायण के विचारों के वाहक हैं। और इन तीनों नेताओं ने साफ कहा है, जब सरकारें अकर्मण्य हो जाए, सरकारें कानून को अपने हाथों में ले ले, लोकशाही खत्म होने पर हो, तो निश्चित रूप से जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए और कानून जिसका भंग किया जा रहा हो सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ में जोरदार आवाज होनी चाहिए। आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति करेंगे, हम डॉक्टर लोहिया के सिविल नाफरमानी के आंदोलन की पुनरावृत्ति करेंगे, और आज हम लोग ने संकल्प लिया है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के दिए गए नारों और दिए गए आंदोलनों का फिर से हम शुरुआत करेंगे। कल से हम लोग स्वतंत्र हैं, यदि हमारे नेता की रिहाई अविलंब नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और हम लोग वो काम करेंगे जो हमारे महामना नेताओं ने हम लोग को निर्देशित किया है। हम लोग ये मांग करते हैं कि पारस और राजेश्वरी हॉस्पिटल में जो हमारी माँ और बहनों के साथ में जो दुष्कर्म की घटना हुई है, उसकी जांच सीबीआई से की जाए और दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी हो। हम चाहते हैं कि देश में कानून का राज हो और बिहार में भी कानून सम्मत काम हो। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।